पहुंच गया हूँ अल्टीमेटली जॉर्ज एवरेस्ट। जो पीक है वो तो वैसे वहाँ है, जो ऊपर नज़र आ रही है वैसे। हेलो दोस्तों, आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज है 31 दिसंबर और जिस दिन मैं इस व्लॉग को अपलोड कर रहूँगा नया साल हो चुका होगा, 2021 हो चुका होगा और जो 2020 जो काफ़ी ख़राब साल था सबके लिए वो एंड हो चुका होगा जिस दिन ये व्लॉग आ रहा होगा। तो अब तैयार हो गया हूँ मैं, नहा धो के नाश्ता भी मैंने कर लिया है। अब एक काम था पहले मैं उसको निपटा लूँ। कल जब मैं अपना वाइपर चला रहा था तो जो वॉश करने के लिए पानी निकलता है वो नहीं निकल रहा था कल इसमें वाइपर में से, तो आज उसको भर लेता हूँ सबसे पहले पानी को, ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कभी शीशा गंदा हो जाता है तो उसी से ही साफ़ होता है वो। सेट, तो अब हम चलेंगे, आज हम चलेंगे मसूरी। आज हम मसूरी को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में देखेंगे केम्प्टी फॉल भी। तो यहाँ तो मौसम बड़ा अच्छा है, नीचे बहुत ही खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। अभी बज गए हैं अराउंड मेरे ख्याल से 7:45, तो हम 8:15 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। तो अब अपनी कार है तैयार, तो अब अपनी जर्नी करते हैं हम शुरू। और हम मसूरी जो जाएंगे वो हम जो देहरादून मसूरी जो हाईवे है उस वाले से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट एक दूसरा रास्ता है, बड़ा ही अमेजिंग है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं वो जो रास्ता दिखाऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा है वो, एक डिफरेंट है रास्ता। तो चलो अब चलते हैं मसूरी। ये हमने अपना सफ़र अब स्टार्ट कर दिया है मसूरी का। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो मसूरी जाने के लिए देहरादून से रास्ता है वो हाईवे है, लेकिन जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये एक डिफरेंट रास्ता है। तो अगर आप देहरादून से इस पे अपने फोन में अगर टाइप करेंगे मसूरी तो आपको वही मेन हाईवे वाला रास्ता ही दिखाएगा वो, लेकिन अगर आप देहरादून से अगर टाइप करेंगे मैप में केमाड़ी, तो केमाड़ी एक छोटा सा गांव है जो मसूरी से पहले है, तो आपको वो इस वाले रास्ते से ले आएगा। ये कैंट में से होता हुआ आपको एक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, टोंस नदी, उसके बाद ये केमाड़ी का रोड है जिसमें भी मैं चल रहा हूँ। तो ये काफ़ी हटके है रास्ता, इसकी नॉलेज नहीं है ज़्यादातर लोगों को। तो आप कभी जैसे सीज़न में आए मसूरी जिस टाइम बहुत रश होता है तो वहाँ पे 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा जैम लग जाता है उस वाले रोड पे, जो मेन मसूरी वाला रोड है, जो देहरादून मसूरी रोड है। लेकिन जो ये वाला रोड है इसकी नॉलेज नहीं है लोगों को ज़्यादातर को, तो ये एक अलग रूट है, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूट पर भी। वैसे मैं आपको पूरे रास्ते में दिखाऊँगा ही कैसा है, तो आप दिख ही रहा होगा आपको कैसी रोड है, अच्छी है। तो और मैं आगे चल के आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ भाई, कैसे कैसे आपको इस वाले रास्ते पे कवर करना है। ये हम केमाड़ी आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था अगर आप केमाड़ी टाइप करेंगे तो यहाँ पर आकर आपका वो जो मैप है ख़त्म हो जाएगा, ये केमाड़ी विलेज है। लेकिन आपको तो मसूरी जाना है, तो फिर यहाँ पर आने के बाद या आप मैप ये भी डाल सकते हैं कि देहरादून से केवाड़ी देन मसूरी, तो आप इसी वाले रूट से आएंगे। काफी छोटा सा ही गांव है केवाड़ी, जैसे ज्यादातर पहाड़ों के गांव होते हैं, रोड पर तो 2-4 ही घर हैं और इधर उधर नीचे पहाड़ी पे होते हैं। मसूरी 18, जॉर्ज एवरेस्ट 17। तो हमें अभी पहले तो जॉर्ज एवरेस्ट जा रहे हैं। ये स्वागत प्राचीन मंदिर कौन सा गांव है, भाई मस्त रास्ता है। अगर किसी को जेन्युइनली फन करना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उस वाले रूट से ना जाए मसूरी, इसी से जाए। एकदम से साइड में ऐसी सी खाई चलेंगी आपके और सामने खड़े पहाड़। ड्राइविंग का असली प्लेजर है इस रोड पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी ही गाड़ी होगी बस। अब देख लो सामने से कोई कार ना आ रही है ना जा रही है। और अभी मैं मसूरी रोड पे होता तो इतना रश होता, दुनिया भर की कारें जा रही होती हैं और आ रही होती हैं वहाँ से।
पहली कार मिली है हमें, 426 गुड़गांव नंबर। ये भी कोई हमारे जैसे भाई बंधु थे जिनको पता था चांस नहीं बात में। और मैं एक और बात सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि जिसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं पहाड़ों पे स्पेशली, वो ही इस रास्ते से आना प्रेफर करें, क्योंकि थोड़ा रास्ता पतला है और एकदम से खाई है। जैसे आप मतलब रास्ते पे देखोगे, ये लेफ्ट में देखो कितनी एकदम से गहरी खाई है, तो कट भी थोड़े खतरनाक हैं। तो कल को आप आ जाओ उस रोड पे मेरी वीडियो देख के, और बाद में मुझे गाली बको कि इन्होंने तो भैया ने कहा कौन से रास्ते पे फंसवा दिया हमें। तो इसलिए थोड़ी ड्राइविंग स्किल्स का आप अपना देख लेना अगर आपकी सही हो। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ या वो, मेरी भी नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी मेरा कहना तो बनता ही आपको। तो ये रोड काफ़ी पतला और एकदम से इसकी खाई है काफ़ी गहरी है, और जो मेन मसूरी रोड है उस पर इससे थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी बेटर है, इससे सेफ्टी के हिसाब से कहूँ तो सेफ्टी के हिसाब से तो थोड़ा है ये खतरनाक। मैं आपको कह रहा था ना जैसे कि खाई है बड़ी खतरनाक, तो जनरली यहाँ पे बहुत ही खतरनाक खाई है, ये देखो एकदम से। और जो मैंने अभी पीछे आपको कट दिखाया था वहाँ पे, बहुत पतला रोड है ये और एकदम से गहरी गहरी खाई है। तो भाई अगर आओगे आप इस रोड से तो अपनी, मैंने पहले ही बताया आपको, थोड़ी ड्राइविंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए स्पेशली पहाड़ों पे। तो ये रास्ता बहुत प्यारा है, सबसे बड़ी बात है एकदम आइसोलेटेड रास्ता है। इस रास्ते पे चाहे आपको लेट के भी अपनी फ़ोटो खिंचवानी है तो खिंचवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिस्तर मत डाल लेना यहाँ पे, सोने मत लग जाना, बहुत ही अच्छा है व्यू के हिसाब से, तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है पूरा दूर दूर तक ये पूरा। ये जो नीचे है ये देहरादून वैली है पूरी भाई, मस्त है ये रोड, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं खुद इससे पहली बार आ रहा हूँ, और यहाँ पर अभी एक छोटा सा झरना दिखाया मुझे, ये रहा, देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा प्यारा। काफ़ी सुंदर है, इसका नाम तो आई थिंक मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से इसको किमाड़ी वाटरफॉल कहते हैं, कंफर्म तो नहीं पता। नीचे एक छोटा सा पॉन्ड भी बन रहा है, और रोड भी अच्छी है ओवरऑल। अब तक तो मैं जितना आया हूँ एक छोटा मोटा पैच मिला है मुझे, और इसी के साइड में एक छोटी सी कई भैया की वैन भी है। चलो उनसे चलते पूछते हैं कौन सा वाटरफॉल है, ये भैया बता देंगे, और फिर पूछते हैं भी कितना रह गया और आगे अपना रास्ता। अच्छा, ये नीचे वाटरफॉल जो है ये नीचे, ये नदी के रूप में नीचे जा रहा है, पूछते हैं भैया से चल के। यस, वाटरफॉल का नाम क्या है? किमाड़ी वाटरफॉल। किमाड़ी वाटर, किमाड़ी गांव तो पीछे रह गया ना वैसे। अब यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट और कितना रह गया? अच्छा अच्छा, रोड ठीक है आगे पूरा? 12 अभी भी 10 होगा नहीं यार, कम जॉर्ज एवरेस्ट तो कम होगा, मसूरी दूर है। आप एकदम हिल पे जाओगे टॉप पे। अच्छा अच्छा, रोड गाड़ी जाती है वहाँ तक? घर तक जाएगी ना, घर तक। अच्छा अच्छा, वहाँ से भी व्यू दिखता है। अच्छा अच्छा, तो इस रोड पे चलता है ट्रैफिक जैसे आपने शॉप लगा रखी है, ठीक ठाक है? तो है इस रोड पे भी ट्रैफिक चलता है, अभी तो थोड़ा सीजन नहीं है इसलिए नहीं चल रहा ना। अच्छा अच्छा, चलो भैया थैंक यू। तो भैया ने बताया कि इस पे भी सीज़न में रहता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक, ज़्यादा तो नहीं रहता। जो मैंने बताया था आपको वही इसका नाम है, किमाड़ी वाटरफॉल। चलो अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सफ़र लेकिन बड़ा ही अमेजिंग रहा है आज का, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। मतलब वीडियो में तो आप जो देख रहे हो वो 10% ही है, जो असली नज़ारे हैं जब आप अपनी आँखों से देखोगे इस रोड से ही आओगे फिर आप हमेशा। ये आ गया हाथी पांव। अब हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट जॉर्ज एवरेस्ट, ये छोटा सा है कस्बा सूरी से पहले, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अभी जॉर्ज एवरेस्ट के लिए लेफ्ट लिखा है, 2 किलोमीटर यहाँ से रोड हमने आने के बाद जॉर्ज एवरेस्ट के लिए ले लिया लेफ्ट कट। अब रोड हो गया है और ख़राब,
ये जगह है हाथी पांव, इधर अभी मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर दो तीन शॉप्स हैं छोटी छोटी, यहीं पर ही आपको अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। मैंने अपनी कार पीछे पार्क कर दी। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है और यहाँ से ये बता रहे हैं लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए। वैसे 1 किलोमीटर लिखा है फिनिशिंग पॉइंट, तो वो चल के ही पता लगेगा कितना लंबा है। तो ट्रैक तो अच्छा बना हुआ है ये, और व्यू तो अमेजिंग ही है यहाँ के। तो अब चलते हैं और जॉर्ज एवरेस्ट में चल के देखते हैं वहाँ से कैसे व्यू है। लगभग आधा ट्रैक कवर कर लिया है मैंने। तो जो ट्रैक है ये थोड़ा सा स्टीप है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली चढ़ाई है इसमें। मतलब वो नहीं है कि आप सोचें कि कहीं पर बीच में जाके थोड़ा प्लेन रहेगा, ऐसा अब तक तो खड़ा ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये मैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पर उससे पहले एक ये बन रहा है प्राइवेट एकोमोडेशन के लिए। तो कभी आप इधर आना चाहते हैं, अभी तो कंप्लीट नहीं है इसकी कंस्ट्रक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चालू है कंस्ट्रक्शन। तो कभी आप फ्यूचर में आएंगे तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं। स्टीप है चढ़ाई, तो काफ़ी तो नहीं है लेकिन स्टीप है। तो रुकते रुकाते अपना आइए इंजॉय करते हुए, और कुछ खाने का सामान ज़रूर लेकर आना, क्योंकि रास्ते में जब चढ़ाई करते हैं, स्पेशली जब ट्रैक करते हैं, भूख बहुत लगती है। तो पीनट्स वगैरह या चॉकलेट कुछ इस टाइप की चीज़ ज़रूर लेकर आना आप। तो आप मसूरी कभी आए रुकने तो जॉर्ज एवरेस्ट मैं कहूँगा ज़रूर आए। ज़्यादा दूर नहीं है मसूरी से, ये लगभग 5 किलोमीटर होगा बाय रोड, और उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया 1 या 1.5 किलोमीटर की ट्रैक है। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम, सामने दिख रहा है, मैं पहुँच गया अल्टीमेटली जॉर्ज एवरेस्ट। जो पीक है वो तो वैसे वहाँ है, जो ऊपर नज़र आ रही है, वैसे वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जो ये दिख रहा है आपको, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे अभी, तो वो भैया मना कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, अल्टीमेट व्यू पॉइंट है। तो जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, सबसे पहली बात तो एवरेस्ट नाम सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि जो एवरेस्ट वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट माउंटेन पीक है, जो टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो इन्हीं के नाम पर है। और ये जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया में, तो 1830 के अराउंड जॉर्ज एवरेस्ट इंडिया में जो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था उसके हेड थे, और उनका यहाँ पे घर भी था ये। तो उन्होंने काफ़ी वर्क किया उस टाइम, उनकी लैब भी हुआ करती थी यहाँ पे। ये जो खुला मैदान है पूरा यहाँ पे काफ़ी बड़ा, तो इसमें इधर से तो 360 डिग्री व्यू ही बोलूँगा मैं। तो एक तरफ जो इस तरफ हिमालय नज़र आ रहे हैं, ये अपनी वो वाली साइड है जिस तरफ आपको ये बद्रीनाथ की रेंजेस और गंगोत्री रेंजेस और बंदरपूछ जो यमुनोत्री रेंज है वो सब नज़र आएंगी यहाँ पे से। दिखाता हूँ मैं आपको भी, ये जो सामने है व्यू, जो आपको रेंजेस नज़र आ रही होंगी बर्फ़ की दूर काफ़ी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, अमेजिंग। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ, आई थिंक उस तरफ आपको, इस तरफ जो चलेंगे उस तरफ देहरादून वैली नज़र आएगी। यहाँ जलपान के लिए भी व्यवस्था है, अगर आप चाय वगैरह पीना चाहते हैं या कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाना चाहते हैं। अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, आई थिंक यहाँ से दून वैली नज़र आती होगी। ये जगह, हाँ यहाँ से दून तो नज़र नहीं आ रहा देहरादून, लेकिन जो नीचे की वैली है वो नज़र आ रही है सारी यहाँ से। ये देखिए पूरी हेज है इस तरफ, और जो ये ऊपर पीक है जो आपको ये नज़र आ रही होगी ये वाली, यही है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, और ये उनका हाउस है। अमेजिंग जगह है। तो अगर मसूरी आप आए हैं, और अगर मसूरी से अगर आपको आना है, तो 5 किलोमीटर के करीब तक आपकी कार आएगी, फिर यही
एक डेढ़ किलोमीटर की, एक ही किलोमीटर की कहूँगा मैं ट्रैक, 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट, वो आपके चलने के ऊपर है कि आपकी स्पीड कैसी है। और बढ़िया जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये घर है जॉर्ज एवरेस्ट का, उसको भी मैं एक बार आपको थोड़ा देखता हूँ भैया से परमिशन मांग के, क्या पता बनाने दे मुझे वीडियो। अमेजिंग जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और जिस रास्ते से मैं आया हूँ किमाड़ी से, उससे तो ये ऑन द वे ही है, पहले जॉर्ज एवरेस्ट आता है और फिर मसूरी। अभी चल के पूछता हूँ भैया से। तो जॉर्ज एवरेस्ट तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट से, तो पीक से भी यही व्यू नज़र आएगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप कभी आए तो पीक चढ़ना चाहें तो चढ़ सकते हैं। कोई ठंड का टाइम है, इसमें मैं नहाऊंगा तो नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ही ठंडा पानी है, मैंने हाथ लगा के देखा उसमें,